और अब सारी खवातीन जिनको ये प्रॉब्लम है कि क्या करें हम, हमारा तो वजन है जो कम होता ही नहीं, और पता नहीं क्या क्या नुस्खे और क्या क्या डाइट प्लान्स कर लिए, उन सब के लिए खुशखबरी है कि रीमा जी क्या खाती हैं सुबह उठकर और रात को सोने से पहले क्या खाती हैं, सारे राज अभी फाश होने वाले हैं, ये खुद बताएंगी और मैं बनाऊंगी, ये बताती जाएंगी मैं बनाती जाऊंगी जी। आइए जी हम चलते हैं इस काउंटर की तरफ जहाँ हमने छोटा सा किचन लगाया है। हाँ जी रीमा की डाइट, मैं हेल्दी खाती हूँ मगर जब मैं किसी दावत में जाऊँ और मुझे हो कि लोगों ने इतने प्यार से इतने तमाम से सब कुछ बनाया है तो मैं वो भी खाती हूँ। ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि नहीं जी मैं किसी दावत में जाकर कि मुझे बस ये खाना और ये नहीं खाना, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, मैं खाती सब कुछ, पूरी हलवा हो वो पिज्ज़ा हो वो लज़ानिया हो वो कढ़ाई हो सब कुछ, दिल नहीं तोड़ती मगर जो रूटीन में मैं खाती हूँ जिसकी वजह से वेट हमेशा कंट्रोल में रहता है, एक तो ये कि चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ। ये चक्की का आटा आ गया, ठीक है। अमूमन लोग मैदे की रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं नहीं खाती, ना मैं ना डॉक्टर साहब, हम दोनों पसंद नहीं करते। चक्की का आटा थोड़ा सा गूंदना हल्का सा मुश्किल होता है, मगर मैदा आप नहीं खाती, चक्की का आटा खाती हूँ। बिल्कुल चक्की का आटा खाती हूँ और उसमें मैं ताजी खुद रोटियाँ घर में अपनी, जब अम्मा आती है तो वो बनाती है, अगर वो ना हो तो फिर मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा आपके पेड़े का साइज क्या होता है जरा मुझे बताइएगा ताकि लोगों को हम ये बता दें इतना होता है। मैं बेटे के लिए जो बनाती हूँ, आपके जरा मैं बताऊँ, लेकिन जो मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ ना, क्योंकि उसको मैं पराठा खिलाती हूँ, अच्छा, तो वो देसी घी जो है उसके उसको अंदर थोड़ा सा डालकर, अच्छा, और ये इस तरह रोल करके जैसे फिर मैं उसको, मुझे रोटी नहीं बनानी आती अभी तक, ये उसको जैसे लेयर्स, ये तो आपने बहुत सख्त गूंदा हुआ है ना, बट मेरा बहुत नरम, अच्छा, कि वो जैसे आपने पेड़ा किया तो उसके बाद आप बेलने से उसको थोड़ा वो कर लेते हैं, तो बस फिर वो करके अच्छी तरह इस तरह करके ताकि कोने जो हैं वो उसके मोटे मोटे ना रहे। आप कितना बड़ा पेड़ा खाती हैं जब आप चक्की का आटा खाते हैं? मेरा भी नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा नहीं, चाहे देखिए जितना बड़ा पेड़ा होगा उतनी रोटी ज्यादा मोटी होगी, ज्यादा मोटी, तो उतना ज्यादा, जितना मेरे हाथ में इतना या इसे थोड़ा सा ज्यादा? इसे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ। मगर खाती हूँ। दिन में एक टाइम खाती है रोटी या दो टाइम? नहीं मैं नाश्ता प्रॉपर करती हूँ, अच्छा। मगर उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी खाने से पहले आप पानी के 2 गिलास जरूर पिया करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी पानी के अंदर कोई जायका नहीं है तो हमसे पानी पिया नहीं जाता, उसका बेहतरीन हल है कि आप एक जार के अंदर या आप अपने जग के अंदर आप थोड़ा सा पुदीना डालें, फ्रेश पुदीना, ठीक है, खीरा काट कर डाल लीजिए। फ्रेश तो नहीं है बेचारा ये, चले मैं डालती जाऊँ, 5 मिनट लगेंगे, हम बताते जाते हैं ना ताकि लोगों को याद रहे, जग हो गया पानी का, बिल्कुल जग हो गया पानी का, आप इसमें पुदीना डालिए और खीरा मुझे दे दीजिए, आपको दे दूं ताकि लोगों को याद रहेगा ना, और धोकर अच्छी तरह छिलके, कितने पत्ते डालें पुदीने? डाल दें कोई फर्क नहीं, अच्छा, पड़ता इसमें कोई क्वांटिटी का वो नहीं है। ओके डंडल ना डाल दीजिएगा कड़वा हो जाएगा, सिर्फ पत्ते डाल दें, ठीक है, अच्छा ये हो गए पत्ते डाल दिए, पानी और खीरा भी डालेंगे? बिल्कुल खीरा तो मस्ट है, इससे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी होती है, और पानी मैं बहुत पीती हूँ, मैं कम से कम अमूमन कहा जाता है कि 2 लीटर पानी डेली जरूर पीना चाहिए, जो मेरे ख्याल में 8 गिलास बनते जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डाल लिया। अब अगर आपके पास ये लेमन दे दीजिए, अब जैसे जो भी फ्रूट हो, अगर एक दिन आपने लेमन डाला है आप लेमन के पीसेस करें और वो पानी में डाल दें, मतलब छिलके समेत, छिलके समेत बिल्कुल, बीज और छिलके समेत, ठीक है, पानी में डाल, पूरा 1 लेमन डाल दीजिए। फिर अभी जैसे मौसमी का मौसम था, किनू का मौसम था, वो आप किनू बीच में डाल दें, इसी में नहीं, मैं डेली की बात कर रही हूं, इसमें नहीं डाल, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, मैं तो डालती हूँ, अच्छा। और अगर एक दिन मैंने 2 दिन पानी में किनू डाला है तो 3रे दिन ये सब चीजें होंगी, पुदीना भी होगा, लेमन भी होगा, खीरा भी होगा, 2रे-3रे दिन मैं सेब काट के डाल दूंगी, अच्छा। फिर मैं स्ट्रॉबेरीज काट के डाल दूंगी पानी के अंदर, और ये 1 बोतल पानी में होता है सब, एक कम से कम 2 लीटर पानी जो आपने शाम तक खत्म करना, वो खत्म होता जाए आप उसमें और डाल दें, अच्छा। आप उसमें और डाल दें, एक तो ये कि आपका टेस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आप कोई जूस पी रहे हैं, आप ये छिलके के साथ डाल रही हैं, छिलके के साथ धोकर अच्छी तरह, छिलके के साथ,
अब सारा दिन मैं ये पीती रहती हूँ आते, और कुछ भी खाने से 10 मिनट पहले दो गिलास पानी और रूम टेम्परेचर, मैं ठंडा नहीं पीती। जो 2 लीटर है वो आप इसके पीती हैं, और जो नॉर्मल पानी है वो कितना पीती हैं फिर? ये नॉर्मली है। नहीं नहीं, कहने का मकसद है जिसमें कुछ नहीं होता यही पीती हैं आप? और अगर ये मुझे नहीं कहीं पर मिल रहा, इसके बावजूद मैं कहीं खाने पर गई हूँ, तो मैं घर से चलने से पहले 2 गिलास पानी पी कर जाती हूँ। अच्छा, इसी के? इसी के या नॉर्मल पानी के। अगर ये नहीं आपके पास तो फिर आप पानी जरूर पिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक तो आपको पेट भरा भरा लगेगा, आप खाना कम खाएंगे, और दूसरा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, ठीक है, ये तो हो गया। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, जी जी, इस पानी के बाद उनको ये वाली प्रॉब्लम उनकी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, दो पानी मैंने पिया, ये कि आपका पेट भी नहीं निकलता, स्किन अच्छी, स्किन अच्छी, बाल अच्छे, बालों में शाइन रहती है। हम उन कहते हैं कि जी पानी का बालों से क्या ताल्लुक, लेकिन हर चीज का ताल्लुक स्टमक से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो हो गया पानी जो आप पीती हैं, 2 लीटर पानी, ठीक है, बिल्कुल। अब जो है, अब सुबह उठती हैं तो नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में देखें, डिपेंड करता है कि वहाँ जैसे 4 मौसम हैं, तो हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, अपने फल हैं, अपनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। अब यूजुअली जो तारिक नाश्ता करते हैं या मैं, उनके तो कॉर्नफ्लेक्स एक होता है। अच्छा। जिसमें वहाँ पर एक खास मिलता है जिसमें हर तरह के ओटमील, थोड़े 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 वो मिक्स करके दिखा दीजिए, समझे कि ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, मगर अगर कोई प्याला दूं आपको? हाँ, मुझे प्याला दे दीजिए, तो बहुत छोटा प्याला है लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके, कि समझे कि हर तरह के जिसमें अखरोट भी है, थोड़ा बादाम भी है, और तमाम चीजें मिक्स है, ओट मील कॉर्नफ्लेक्स मिलता है वहाँ से, अलग से रखे, बिल्कुल ड्राई फ्रूट भी होता है उसमें, वो भी डाल लेते हैं। मैंने डाला, मैं और तारिक यूजुअली नाश्ता इसी का ही करते हैं। उसमें सारे मिले भी होती है ना? बिल्कुल, थोड़ा सा भी ऐसे मिलते हैं ओटमील काफी ना, हमें वहाँ से पैकेट्स मिल जाते हैं, तो वो बाय करके रख लेते हैं। थोड़ा सा ये डाल लिया, तो नाश्ता आपका अखरोट ओटमील से होता है? ओटमील से। अच्छा, डिपेंड करते, 5 दिन तो हमारा ये होता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं कि खाने पीने का, कि मोटे ना हो? वो तो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो तो सख्ती से मना करते हैं कि औरत हो या मर्द हो, किसी का पेट नहीं बढ़ना चाहिए। वो तो इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ है। बस ये आप समझे कि इसमें, अच्छा, अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ स्किम मिल्क डालना है, मैं और तारिक ऐसा नहीं करते। अगर हमने वहाँ 1% मिल्क भी मिलता है, जी जी, तो अगर आप 1% मिल्क डाल दो, उसमें फैट कम होता है मगर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो या आपके पास अगर वो नहीं है तो आप आधा स्किम डाल लीजिए और आधा जो है वो रेगुलर दूध डालकर, तो उसको मिक्स करके पिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए, आपके मसल्स को भी चाहिए। बिल्कुल स्किम मिल्क नहीं, बिल्कुल मैं नहीं करती, तारिक नहीं ये करते। अच्छा, तो ये हमने नाश्ता कर लिया, ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद मैंने कोई फल खा लिया। फल कौन सा वाला? कुछ भी, जो भी सीजनल सीजन का फ्रूट है, कुछ भी, सेब खा लिया। अच्छा। केला खा लिया एक आध, मगर एक एक ये नहीं के चार चार एक साथ, चार चार पांच पांच खा रहे हैं। वैसे आम का सीजन आ रहा है, बट ये मैं खुद नहीं। 12 बजे तक आपने फल, एक आध फल खा लिया, के बाद फल, बिल्कुल। लंच क्या करती हूं? लंच में क्या करती हूँ कि दोपहर के वक्त मैं अगर कुछ भूख लग रही चलते फिरते, कोई एक आध ओटमील का बिस्किट चख लिया। अच्छा। लेकिन ये कि दही खा ली मैंने, दही के बीच में थोड़ा सेब काट कर डाला और दही खा ली, दही अच्छा। खा ली, उसके बाद मैं सैलड बना लेती हूँ, पूरा सैलड का एक बॉल। बहुत दही के बीच में जो आप सेब डालती हैं वो हरे वाले सेब होते हैं या लाल वाले? नहीं, मैं हरा नहीं खाती, क्योंकि उसमें खटास बहुत होती है, तो मेरा गला खराब हो जाए, तो मैं ज्यादातर सुर्ख वाले जो होते हैं, ठीक है, वो वाले सेब, वो वाले खाती हूँ। दही के बीच में जो आप लंच करती हैं? नहीं, ये लंच नहीं है, ये स्नैक है, ये स्नैक ही आप समझ रहे हो, मगर लंच जो है मैं प्रॉपर जो एक सैलड प्लेट बनाती हूँ अपनी, जिसमें मैं सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े डालकर, और उसमें ब्रोकली, अच्छा, गाजर, मटर, और बिल्कुल बता देती हूँ, बंद गोभी का सैलड जो मिलता है पत्ता, वो काटा, ब्रोकली डाली और थोड़ा सा गाजर गाट डाली, मटर डाले, जो सब्जी आपको पसंद है उसमें डालकर थोड़ा फ्रूट डाला, और कुछ लोग ड्रेसिंग, वहाँ से तो डाइट वाली लाइट ड्रेसिंग्स मिल जाती हैं, अगर वो नहीं आपके पास तो आप दही डालने हो, दही डालकर तो उसका मजे का टेस्ट बन जाता है, तो वो उससे इतना आपको फील होता है कि बहुत पेट भर गया। अच्छा, तो मेरा लंच ज्यादातर ऐसा ही होता है। अच्छा, और कभी दिल चाहे कि रोटी या पाए, पाए का दिल चाह रहा हो खाने का? रात दोपहर को तो मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं दोपहर को नहीं खाती। अच्छा। क्योंकि तारिक शाम को आते हैं, तो मैं खाना फिर एक वक्त का होता है हमारा इकट्ठे, तो फिर मैं दोपहर का खाना स्किप कर जाती हूँ, इस तरह से अपना पेट भर लेती हूँ,
प्रॉपर खाना उनके साथ रात को मैं खाती हूँ। अच्छा, तो वो जो रोटी है दोपहर वाली, जो अक्सर लोग दोपहर को खा रहे होते हैं, आप रात को? मैं रात को खाती हूँ, हमारा डिनर भी अर्ली होता है, 7:30-8 बजे के करीब। अच्छा, बिफोर 9 जल्दी खा लेती हैं आप? बिफोर 9। अच्छा, शाम का नाश्ता रह गया बीच में, जो आप लंच और खाने के दौरान क्या, वो दही वाली चीज खाती है? नहीं नहीं, फिर शाम को जब तारीख आते हैं तो हमारे कुछ अच्छे मजेदार बिस्किट्स होते हैं और कुछ मेवे रखे होते हैं जिसको हम मंचिंग करते हैं चाय के साथ। अच्छा अच्छा, वो उसका बड़ा इहतमाम मैं करती हूँ। शाम की चाय हमने इकट्ठे बैठ कर पीने जब वो ऑफिस से आते हैं, फिर थोड़ी देर वो टेलीविजन देखेंगे, बेबी के साथ खेलेंगे, या बाहर हम दोनों गए और लॉन में जाकर देखा, पानी वानी डाला, या एक पूरे अपने हमारी जो काउंटी है उसका एक चक्कर वक्कर लगाया, वापस आकर नमाज मगरिब की पढ़ी और फिर मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो फिर हम खाना इकट्ठे खाते हैं, और खाने में भी एक से डेढ़ रोटी, क्या क्या क्या, जैसे रोटी हो गई, हर तरह की दाल मस्ट होनी चाहिए डेली। अच्छा, दाल हो गई मस्ट, ये तो ठीक है, दाल खाने में हमारे अगर चिकन है या मीट है तो उसके साथ साथ हमारा कोई सब्जी या दाल, एक आध चीज सब्जी या दाल एक आध चीज मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। खाना प्रॉपर हम खाते हैं, सब्जी या दाल तो होती है, और मीट जो है वो रोज लेते हैं आप लोग या नहीं? हम लोग हफ्ते में जो खाना खाते हैं कि गोश्त कितना आपको खाना चाहिए, तो वो मैं जरा थोड़ी चिकन वाली बंदी हूँ तो मैं थोड़ा गोश्त को अवॉइड करती हूँ। अच्छा, तो वो तारिक के लिए फिर खास तौर पे कभी हफ्ते में एक दफा बीफ भी बनता है। अच्छा, उनके लिए, और एक दफा जो है वो मटन भी बन जाता है उनके लिए। मैं थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, मगर फिश की शौकीन है, मैं फिश शौक से खाती हूँ, श्रिम्स शौक से बनाती हूँ, और चिकन तो वो हम मिक्स करते हैं, मगर सैटरडे संडे हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। अच्छा, मतलब फिर छुट्टी होती है? छुट्टी होती है बिल्कुल, उसमें हम पूरा जो दिल करता है वो खाते हैं, उसमें ये ओटमील या ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं होती। 5 दिन जो है वो ये डाइट चल रही है, ये चल रहा है, डाइट नहीं कह सकते, ये हेल्दी हेल्दी खाना होता है। मगर सैटरडे को हमने पराठा चना तड़का लगा हुआ और ऑमलेट चीज के साथ, ये हम मस्ट खाते हैं और बहुत दिल से खाते हैं। क्या बात है, तो ये है रीमा जी की डाइट प्लान। अच्छा, इसकी वजह से, हेल्दी खाने की वजह से आपने कितने दिनों में लूज किया वेट? बहुत जल्दी, आप हफ्ते में खुद नोट कीजिएगा कि आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी कम होगा। नहीं तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी, जब आपका वेट बढ़ा हुआ था तो थोड़ा सा डिप्रेशन फील हुआ कि मैं कैसे कम करूंगी? नहीं, मैंने एक्सरसाइज भी साथ साथ। अच्छा निदा, आप अपनी बॉडी को टोन कैसे करते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप वॉक भी करें और एक्सरसाइज भी करें, तो मैंने दोनों चीजें की। अच्छा, दोनों चीजें तशरीफ रखें। अच्छा।